मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राजस्थान विधानसभा ओपनिंग पोल, किस पार्टी को बंपर जीत। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हिंसा के बीच बंपर मतदान, वोटर किस पर मेहरबान। मध्य प्रदेश की सभी 200 सीट और छत्तीसगढ़ की विधानसभा की दूसरे चरण में अंतिम चरण में 70 विधानसभा सीटों पर मतदान संपन्न। दोनों ही राज्यों में हिंसा और मारपीट के बीच बंपर मतदान हुआ है। मध्य प्रदेश में 76.22% और छत्तीसगढ़ में 72.70% मतदान हुआ है। एमपी में पिछले विधानसभा चुनाव में वोटिंग रिकॉर्ड इस बार टूट गया है। एमपी में 2018 के विधानसभा चुनाव में 75.63% वोटिंग हुई थी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता ने अपना फैसला तय कर दिया है। दोनों ही राज्यों मिलाकर 300 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में तय की गई है। 3 दिसंबर को नतीजों का ऐलान होगा, लेकिन सवाल यह है कि बंपर मतदान किसकी ओर इशारा कर रहे हैं। कहीं सत्ता में बदलाव की आहट तो नहीं है। दोनों ही राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर है, लिहाजा दोनों ही ओर से जीत के सीधे दाव हैं। दोनों ही सूबों में जीत के दावों के बीच दोनों ही दिग्गजों ने दबी जबान में मुख्यमंत्री पद की दावेदार भी ठोक दी है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मतदान करने के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि इस माटी के हम सब बेटा बेटी हैं और अपनी जन्मभूमि और मातृभूमि पर माता बहनों, भाइयों और भांजा भांजियों का स्नेह मिल रहा है। मेरे लिए यह भी मेरी असल ताकत है। मुख्यमंत्री पद के दावेदार जनता और पार्टी तय करेगी। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने भी अपने जीत के दावे कर डाले। उन्होंने कहा कि वे चौपड़ प्रदेश और सच्चाई का साथ देंगे और मतदाताओं पर विश्वास कर रहा हूँ। मैं शिवराज सिंह नहीं हूँ कि बोलूं इतनी सीटें आएगी, उतनी सीटें आएगी। जनता तय करेगी कि कितनी सीट आएगी। उधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कहा कि यहाँ मामला एक तरफा है, किसी से लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई यहाँ के कांग्रेस कार्यकर्ता, यहाँ के किसान, महिला, युवा सब लड़ाई लड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण सावंत ने कहा कि जिस तरह से जनता आशीर्वाद भाजपा को मिल रहा है, जनता उत्साहपूर्ण परिवर्तन के लिए तैयार है। छत्तीसगढ़ में डिप्टी सीएम टीएस सहदेव से लेकर उनके परिवार वालों ने दावेदारी ठोकी है। राज्य उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता टीएस सिंह ने हाल ही मुख्यमंत्री की दावेदारी पर कहा कि ये हाईकमान के ऊपर है और उनकी मंशा के अनुरूप फैसला होगा। बहरहाल अपने अपने जीत के दावे हैं। किसे मिलेगी जीत और किसे मिलेगी हार, किसे मिलेगी सत्ता और कौन होगा आउट, इन सवालों का जवाब तो 3 दिसंबर को मिल पाएगा। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना विधानसभा ओपनिंग पोल के बारे में। राजस्थान की 200 में से 25 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। 25 में से 15 पर बीजेपी, 10 पर कांग्रेस पार्टी, आरएलपी खाते में 0, अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट मिल सकती है। मध्य प्रदेश की 230 में से 25 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। 25 में से 10 पर बीजेपी, 10 पर कांग्रेस पार्टी और अदर पार्टी का तो यहाँ पर 0-0 सीट। छत्तीसगढ़ की 15 में से 5 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। इन ओपनिंग पोल में से 5 पर भाजपा, 9 पर कांग्रेस पार्टी, 1 पर अदर पार्टी यहाँ पर काबिज हो सकती है। तेलंगाना की 20 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। 20 में से 10 पर बीआरएस, 10 पर कांग्रेस पार्टी, अदर पार्टी खाते में बीजेपी खाते में 0 सीट। राजस्थान की नेक्स्ट राउंड यानी कि 200 में से 65 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। इन ओपनिंग पोल में भाजपा 43 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी 20 सीटों पर, आरएलपी यहाँ पर 2 सीटों पर, अदर पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर काबिज हो सकती है। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में 230 में से 55 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी खाते में 30, कांग्रेस पार्टी खाते में 25, अदर पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। दोस्तों आप बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की 30 में से 13 विधानसभा सीट के साथ भाजपा, 16 विधानसभा सीट के साथ कांग्रेस पार्टी, अदर पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। तेलंगाना की, जी हां दोस्तों, तेलंगाना की 119 विधानसभा सीट में से 35 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 16, बीआर
आरएस के खाते में 16 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 19 सीटें, बीजेपी के खाते में 0 सीट जा सकती है। बात कर लेते हैं राजस्थान की, 200 में से 116 विधानसभा सीट यानी कि आधी से ज्यादा सीटों पर ओपिनियन पोल आ चुका है। इन ओपिनियन पोल में से 83 विधानसभा सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी, वहीं कांग्रेस के खाते में जा सकती है 30 सीटें, आरएलपी खाते में 3 सीटें, अदर पार्टी खाते में 0 सीट जाने की संभावना सही जा रही है। मध्य प्रदेश की 230 में से 100 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। इन ओपनिंग पोल में से भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी खाते में 58 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 42 विधानसभा सीट जाने की संभावना सही जा रही है। अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जा सकती है। बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा की, छत्तीसगढ़ में 45 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी खाते में 20 सीटें, 23 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, 2 सीट पर अदर पार्टी पर काबिज होती हुई नजर आ रही है। तेलंगाना की 119 विधानसभा सीट में से यहाँ पर बीआरएस खाते में 30 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 22 सीटें, बीजेपी खाते में 1 सीट जा सकती है। राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 151 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं और 108 विधानसभा सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन सकती है। वहीं कांग्रेस पार्टी के हाथ लग सकती है 35 विधानसभा सीटें और आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल के खाते में 8 सीटें, अदर पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। छत्तीसगढ़ की 60 विधानसभा सीट यानी कि 90 विधानसभा सीट में से 60 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। इन ओपनिंग पोल की बात की जाए और बीजेपी खाते में 29 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 29 सीटें यानी कि कांटे की टक्कर, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 2 विधानसभा सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। और बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की, 230 में से 140 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं और 140 विधानसभा सीट में से 79 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी, वहीं कांग्रेस पार्टी खाते में 60 विधानसभा सीटें, 1 विधानसभा सीट के साथ अदर पार्टी पर काबिज हो सकती है। बात कर ली जाए तेलंगाना की 119 विधानसभा सीट में से 173 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर बीआरएस के खाते में 36 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 35 सीटें, बीजेपी खाते में 2 सीट जा सकती हैं। राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 170 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 118 सीटें, 42 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी, आरएलपी नेता हनुमान बेनीवाल के खाते में 8, 2 सीटों पर अदर पार्टियां पर काबिज हो सकती है। मध्य प्रदेश की 230 में से 190 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं और बीजेपी खाते में 104 सीटें, 85 विधानसभा सीट के साथ कांग्रेस पार्टी, अदर पार्टी खाते में 1 सीट जाने की संभावनाएं सताई जा रही है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी पड़ सकता है, कांग्रेस पार्टी 85 सीटों पर 1 सीट अदर पार्टी खाते में जा सकती है। छत्तीसगढ़ की 90 में से 75 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं, 37 विधानसभा सीट के साथ बीजेपी, कांग्रेस पार्टी खाते में 36 सीटें, अदर पार्टी खाते में 2 सीट जा सकती है। तेलंगाना की, जी हां दोस्तों, तेलंगाना में 94 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। बीआरएस खाते में 51 सीटें, 41 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी, 2 सीट पर बीजेपी। राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। इन 200 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 133 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 55 विधानसभा सीट और आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल के खाते में 8 सीटें, 4 सीटों पर अदर पार्टी पर काबिज हो सकती है। छत्तीसगढ़ की सभी 90 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। तैयार बीजेपी खाते में 46 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 41 सीट, अदर पार्टी खाते में 3 सीटें जा सकती है। मध्य प्रदेश की 230 में से 230 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी खाते में 126 सीटें, 100 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, अदर पार्टी खाते में 4 सीटें जा सकती है। मध्य प्रदेश की सभी 230 में से भारतीय जनता पार्टी अच्छी खासी लीड के साथ सरकार बना सकती है। तेलंगाना की 119 विधानसभा सीट में से सभी 119 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। बीआरएस खाते में 63 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 54 सीटें, अदर पार्टी खाते में 2 सीट जा सकती है। दोस्तों आपको क्या लगता है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में किसकी बनेगी सरकार, आप कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय श्री राम।